नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, ए पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक ऑफ अ हिल फ्रॉम ए स्टेशन टू बी अल्फा, ही वॉक्स सी मीटर अलोंग ए स्लोप इंक्लाइंड एट द एंगल बीटा एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक ऑफ द हिल टू बी गामा, सो दैट द हाइट ऑफ द पीक अबव द ग्राउंड इज इतना, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ये आपका क्या हो गया, हिल हो गया, ठीक है। इसके पीक को ग्राउंड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका अल्फा है। क्या कह रहा है कि ही वॉक्स सी मीटर अलोंग द स्लोप इंक्लाइंड एट द एंगल बीटा, यहाँ से अब हम बीटा एंगल को लेके यहाँ तक ये मान लो आता है, ठीक है। और फिर यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन इसके पिक को देखता है तो वह कितना हो रहा है, गामा हो रहा है, यहाँ गामा हो रहा है। ये वाला आपका इधर वाला एंगल हो जाएगा बीटा, तो यह वाला एंगल हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। चलिए टोटल अल्फा है। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये गामा है, ये 90 होगा। एक काम करते हैं, इससे भी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए अब इसमें देखिए, ए बी सी, यहाँ डी देते हैं, यहाँ ई देते हैं, यहाँ एफ दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये 90 एंगल सभी हो रहे थे, ये तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद देखिए, इसके क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक पैरेलल ले लेते हैं इसके, तो ये यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा ऊपर तक ही यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, तो जो एंगल यहाँ पे होगा अल्टरनेट एंगल से, ये भी वही हो जाएगा, यानी कि ये अल्फा हो जाएगा, और अल्फा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा और अगर हम लोग इससे बात करें, यहाँ से यहाँ तक के एंगल की, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ गामा फॉर्म हुआ तो ये भी गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अंदर वाला, ये वाला, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वह हो जाएगा अल्फा, सॉरी गामा माइनस का अल्फा, गामा माइनस का अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये सी डी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, सी मीटर है, सी मीटर यहाँ से आ गया है, ये ना दिया हुआ है जी। चलिए और बाकी कुछ तो दिया नहीं है, हमें ए और बी को निकाल के ऐड करना होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए तो हम लोग इसमें ऐसे पहले तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि लेट ए बी, ए बी बी द, बी द हिल एंड ए बी द टॉप ऑफ हिल, हिल का ये टॉप है। अच्छा एंगल ए सी बी जो है ये आपका अल्फा है, ठीक है। और यहां पर ये दिया हुआ है कि यहां से ये डिस्टेंस ट्रेवल जो सी डी कर रहा है स्लोप बीटा के साथ, तो ये कितना है जी, तो ये आपका है सी, ये आपका सी है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग चलते हैं इन ट्रेंगल, सभी एंगल को तो हम डायग्राम में दिखाई दिए तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सी डी एफ में, इस वाले ट्रेंगल में साइन बीटा लेंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा डी एफ बाई में सी, यानी है ना जी, यानी कि यहाँ पे डी एफ जो आ जाएगा वह हो जाएगा सी साइन बीटा, सी साइन बीटा, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा ये जो डी एफ होगा इक्वल होगा आपके ई बी के, यानी कि ये भी हो जाएगा सी साइन बीटा, ऐसा इसलिए क्योंकि डी ई बी एफ जो है ना इज रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ये आप लिख सकते हैं, सही से लिख देता हूँ, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। चलिए तो ये वाला आ गया सी साइन बीटा, अब हमें ये वाला फाइंड करना होगा, ये वाला ए ई है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, हम लोग एक काम करते हैं ए डी सी, इसमें आइए ए डी सी में, अब यहाँ पे हम लोग साइन फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ठीक है। साइन फॉर्मूला का देखिए किस तरह से यूज करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी, ये सी तो ये लेंगे तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये ना है, तो यह कितना है गामा माइनस अल्फा है, यानी हो जाएगा साइन
गामा माइनस अल्फा इक्वल टू में यहाँ लिखते हैं ए डी, ए डी का हमें यूज करना है आगे, इसलिए मैं ए डी निकाल रहा हूँ पहले। तो ए डी और अपोजिट में एंगल ये रहा, यानी आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये कैसे हुआ? साइन फॉर्मूला से हुआ, साइन फॉर्मूला से हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको इधर लेते हैं, तो ए डी का वैल्यू आ जाएगा सी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई में साइन गामा माइनस का अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, अब चलते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग ट्रायंगल अपने किस में, ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी इसमें आते हैं, क्योंकि हमें ए ई से ना मतलब है। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन गामा लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं ए ई बाई में ए डी, ए डी जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ए ई का वैल्यू आ जाएगा ए डी साइन गामा। यानी अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए ई इक्वल टू में हो जाएगा, ए डी का वैल्यू रख देते हैं सी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई साइन गामा माइनस अल्फा इंटू में यहाँ पर साइन गामा। ए डी का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद देखिए, हमें तो हाइट चाहिए, किसका, हिल का, हाइट ऑफ द हिल निकालना है, तो वह ए ई प्लस का बी ई होगा ना, इन दोनों का सम। तो ए ई ये रहा सी साइन अल्फा माइनस बीटा साइन गामा और बाई में साइन गामा माइनस अल्फा और प्लस बी ई जो है, बी ई का हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं, बी साइन सॉरी सी साइन कहाँ है जी, बी ई का वैल्यू ये रहा सी साइन बीटा, सी साइन बीटा, बी कहिए या ई बी कहिए, सी साइन बीटा। अब इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं किसको, सी बाई में साइन गामा माइनस अल्फा। तो ध्यान से देखिए, ये कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा और फिर प्लस सी निकल चुका है साइन बीटा इंटू में साइन गामा माइनस अल्फा लेना होगा, ताकि ये मल्टीप्लाई करें तो इससे ये कट जाएगा आपका, ये सी साइन बीटा यहाँ बच जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, जो प्रूफ करना था उसमें ये है, इसलिए मैंने पहले ही कॉमन कर लिया सी साइन सी बाई में साइन अल्फा साइन गामा माइनस का अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला देते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू में साइन गामा। ठीक है, फिर प्लस साइन बीटा, यहाँ साइन गामा माइनस अल्फा का हो जाएगा साइन गामा कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा साइन अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सी बाई में साइन गामा माइनस अल्फा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा। फिर यहाँ देखिए क्या होगा, प्लस का यहाँ पर होगा साइन गामा साइन बीटा और फिर आपका कॉस अल्फा। ठीक है, यही ना है जी, इसको सही से अरेंज करते तो ठीक रहता है। हम लोग पहले अल्फा वाले को लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस गामा। अब देखिए इसमें कौन कौन से कटने वाले हैं, साइन अल्फा, देखिए यहाँ पे ये साइन अल्फा साइन बीटा है और फिर साइन गामा है, ये नहीं होगा। इसके साथ देखते हैं कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये दोनों कट जाएंगे है ना जी। चलिए अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, साइन अल्फा है तो सी साइन अल्फा बाई में साइन गामा माइनस का अल्फा। अंदर क्या बचेगा, कॉ यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, पहले साइन गामा को लिखते हैं, साइन गामा कॉस बीटा माइनस यहाँ पे बच जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बच जाएगा कॉस गामा साइन बीटा। तो ये तो फॉर्मूला इस पे सेट है, किसका फॉर्मूला है ये जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं
सी साइन अल्फा बाई नीचे क्या है साइन गामा माइनस का अल्फा, और ये ऊपर ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका साइन गामा माइनस बीटा का। तो यही ना आपका दिखाना था हाइट ऑफ द हिल, है ना जी। चलिए समझ गए क्वेश्चन नंबर 30।